movie, and it has having a good social message, and they really appreciate the movie, and everyone has done a good job. So keep up the good work. It taught me something, that just because children are from orphanages, they have sicknesses, doesn't mean you can't adopt them and cure those sicknesses. Yes. Wonderful movie. I hope that everyone gets this message. Come. And tells other friends or other family people who have not seen the movie about this. And I accept the movie acceptance. Hi everyone, I thought it was a wonderful movie. So this was a movie about unconditional love. It doesn't ask for blood. It's all about loving each other. As we know, we live in a stressful environment. But it is good to see that, you know, such movies have been made where, you know, we are, the love is spread unconditionally. I thought it was a great work by everyone. It was a wonderful movie. Thanks. I just loved the movie. It showed exactly about the religion. It's not about the religion. It's about the humanity. Thank you. It was a very good movie. Everybody said everything good. So I don't have anything much to speak. अच्छी movie है. हर family में जहाँ एक बच्चा है, उन father और mother को और एक adopt करना चाहिए. कोई अनाथ नहीं रखी. आप क्या बोलना चाहोगे जो फिल्म में आपको रोल में इसके बारे में? बच्चे बच्चे होते हैं, उनको अडॉप्ट करना हमारा वो हम लोग को करना चाहिए. बच्चे ना मुस्लिम होते हैं ना हिंदू होते हैं, मतलब एक कास्ट के होते हैं. आप क्या मैसेज देना चाहोगे दूसरे जो मम्मी पापा है उनको? कि बच्चे को अडॉप्ट करें जो रास्ते पे मिले. जी के इस थॉट को सल्यूट करना चाहूँगा कि एक इंसान जो कि बिना माँ बाप के होता है, जो बच्चा, उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है. कोई दूसरा पेरेंट एक्सेप्ट करें, तो इस थॉट को देखते हुए हम लोगों ने जो है मैंने ये फिल्म एक्सेप्ट की थी, और इसमें मैं उसी फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो कि उस बच्ची को एक्सेप्ट करता है, जो फर्स्ट जो मेरी बेटी का रोल प्ले कर रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज हमारे देश में जाएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारे इमोशंस कोई भी बच्चा उसके लिए एक जैसे होने चाहिए. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शीला जी का, उन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए मुझे उस रोल के लिए चुना. और मैं सारे देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, बच्चा किसी का भी हो, कहीं भी हो, वो प्रिय होता है, तो आप उसे अपनाएं, अपनापन दें, और अगर आप उसका खर्चा उठा सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं, तो बिल्कुल. कोई भी कास्ट मत देखो आप, कौन बाहर का है कौन अपना है. बच्चे बच्चे होते हैं, आप एक्सेप्ट करो, अच्छे से रहो. मैं तो यही बोलूँ, करते हो किसी को तो अगर जो आपको इंसान आपको अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर आप अडॉप्ट कर दो, क्यों नहीं. मेरे काफ़ी फ्रेंड लोग हैं जिसने अडॉप्ट किया हुआ है, शरीर से सब कुछ सही है तो भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है. तो मेरे ख्याल से वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम के लिए बहुत राइट टाइम है, बहुत रिलीवेंट है इस फिल्म को बनने के लिए. टच टू बेबी वेलफेयर बेबी हो रहा है. सो मेरे ख्याल से अगर जो काफ़ी सारे ऑर्फनेज में अनाथ बच्चे हैं, तो आप रास्ते पे तो आप तो देखते ही हो, लेकिन आपको आप ऑर्फनेज में नहीं जाते हो, तो आप अगर कभी जाओगे तो आप कभी देखिए उस बच्चों की हालत. यू नो, आप अगर संडे को, हर संडे को आप जाते भी हो, बिस्किट का पैकेट लेके भी आप जाते हो, तो वो बच्चे लोग खिड़की से आपकी राह देखते हैं. तो अगर जो उसमें से एक बच्चे को देखने किसने अडॉप्ट कर लिया, तो मेरे ख्याल से देश अपना काफ़ी प्रगति कर सकता है. थैंक यू. आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है एक्सेप्टेंस, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आपको ये फिल्म कैसी लगी? ये फिल्म बहुत अच्छी है. मेरा नाम डॉक्टर विजय जेसानी है. ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है. इसके अंदर एक मैसेज है कि जो अडॉप्ट करने का मैसेज है, जो गोद लेने का, जिनको बच्चे नहीं हैं या जिनको हैं उनके लिए भी, तो जो मतलब जो लावारिस बच्चे हैं या कैसे भी जो जिनका कोई नहीं है बच्चों का, तो ऐसे लोग बच्चों को वो गोद लो, अडॉप्ट करो, तो वो मैसेज है. वो अच्छी बात है, जो पूरा लीगली किया जाता है, जो लीगल जो मेथड है उसको फॉलो करके आप उसको गोद ले सकते हो. और आपका तकदीर इस पर दिखाया है कि जैसा तकदीर बदल जाता है, तो कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है गोद लेने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद. तो बहुत ही अच्छा मैसेज था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शॉर्ट मूवी, शॉर्ट एंड स्वीट. आप क्या बोलना चाहोगे? गुड मॉर्निंग. आई लव इट.
लाइक इट वेरी मच. आप क्या बोलना चाहोगे? ये शॉर्ट फिल्म जो है बच्चे तो बच्चे ही है, बच्चे भगवान के रूप है. अगर हम जिस भी बच्चे को अपनाते हैं तो वह एक सेवा है, जो हम सेवा भगवान की तरह करते हैं. तो यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बच्चों को अपनाना, अपने दिल से लगाना और उनको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है. जी आप क्या बोलना चाहते हैं? लाइन हमारे मन जाए कि जो लाभ वाले बच्चों को अपनाना है, एक इंसानियत की तरफ एक सेवा का ही भावना है. जो लाभ वाले बच्चे और अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने सोशल स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं सोसाइटी का, ये इंसानियत के लिए बड़ी सेवा है, ये हमें करनी चाहिए. आपको तो पता है फानू जी की हमारी एक एनजीओ है वुमेन पावर एसोसिएशन, जिसमें हम अनाथ बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए और सिंगल यंग विडोज के लिए, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं. ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि रिश्ते खून से नहीं होते, रिश्ते इंसानियत के होते हैं और हम सब एक ह्यूमन फैमिली है. और जिस दिन हमने एक दूसरे को अपना लिया बिना कोई भेदभाव जातिवाद से, ये धरती पर ही स्वर्ग होगा. आपको आप क्या बोलना चाहोगे? जो दूसरे माँ बाप है, किस तरीके से बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये छोटे से फूल है एक गार्डन के, और जितना आप इनको प्यार देंगे ये उतनी खुशबू फैलाएंगे. थैंक यू सो मच फानू जी. सिंधु जी, आपने जो ये फिल्म बनाई है एक्सेप्टेंस, इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है फिल्म का? दुनिया को बताने के लिए कि सरोगेशन ज़रूरी नहीं है, आईवी करना ज़रूरी नहीं है. समाज में बहुत बच्चे जिनको घर चाहिए, होम्स चाहिए, प्यार चाहिए. अनाथ आश्रम में भी बहुत बच्चे हैं. तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों ना एक बच्चा अडॉप्ट करके अपना बना, उनको भी लाइफ चाहिए. वो मकसद था, ये मैसेज वही है. ये मैसेज आपने दिया और इसके आप दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के थ्रू? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बच्चा ज़रूर अपने घर ले जाओ फ्रॉम दी ऑर्फनेजेस, या अगर बाहर रोड साइड पे भी आपको बच्चा मिलता है तो ले जाओ, अपना बनाओ, मेक इट योर ओन, उसको प्यार दो, बड़ा करो. वो वापस आपको जो देगा ना वो भगवान भी दे सकता है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है उसकी. ये आपको कहाँ से सोच मिली जो ये फिल्म आपने बनाई? मैं आप खुद एडॉप्टेड हूँ जी, तो उस जज्बात का आपको पता चलता है. दिल से बनाई, दिल से लिखी है ये स्टोरी, दिल से बनाई है, सेना से बनाई है मैंने. कहीं ना कहीं